अस्सलाम वालेकुम। ये हमने बनाई है वाइट कोरमे वाली बिरयानी, इसको वाइट बिरयानी भी बोलते हैं और बहुत अच्छी बनती है। तो ये कैसे बनती है हम आपको बताते हैं इसकी रेसिपी, तो आप लोग भी ज़रूर बना के अपने घरों में ट्राई करना, बहुत ज़बरदस्त बनती है। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए, उसके लिए मैंने लिया है ये हाफ के जी मटन। उसको मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक लगा के रख दी थी, 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी इसको। और ये है हाफ के जी राइस। राइस आप अपनी पसंद से जो चाहिए वो आप ले लो। और ये है 1 बड़ी साइज़ की प्याज, और ये है आधी प्याज स्लाइस में कटी हुई जिसका हम रिश्ता बनाएंगे। और ये है 1 मुट्ठी पुदीना, ये है 1 मुट्ठी धनिया, ये है 4 हरी मिर्ची जिसको बीच में से मैंने कट कर लिया है, और ये है 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ये है 2 टेबल स्पून मलाई। ये घर की आपको चाहिए तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये है 1/2 कप ऑयल, ये है 3 टेबल स्पून दही, और ये है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ये है 1/2 टीस्पून वाइट मिर्च वाइट पेपर पाउडर, और ये है 1 दालचीनी का टुकड़ा। गरम मसाला है ये, चावल में जाएगा बॉईल करने के टाइम पे। तो ये 1 दालचीनी का टुकड़ा है, ये 8 से 10 काली मिर्च है, ये 4 लौंगे है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, ये 1/2 बादियान का फूल है, ये टूट गया था, और ये 2 तेज़ पत्ते हैं, और ये 1/2 टीस्पून शाहजीरा है। तो चलो अब हम इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो तो बनाने लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालेंगे 1/2 कप ऑयल, ऑयल गर्म हो चुका है, अभी प्याज डाल देंगे 1/2। और इसको गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी में आप ये मटन डाल देंगे, जो अदरक लहसुन, और मैंने इसमें नमक भी लगा दिया था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा देंगे, आपको जितना पसंद है आपके टेस्ट के मुताबिक। उसको फ्राई कर लेंगे 5 मिनट। और इसी में ये प्याज डाल दूँगी। ये प्याज सॉफ्ट होने तक इसको इसके अंदर भूनेंगे, और ये भी हरी मिर्च भी डाल देंगे इसी में, ये हरा धनिया, ये पुदीना और ये दही, ये सब डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे दही का पानी ड्राई होने तक। ये सूखे मसाले भी डाल देंगे, ये गरम मसाला और ये वाइट पेपर और ब्लैक पेपर। और अच्छी तरह से इसको भून लें, इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने तक, ड्राई हो जाने तक। ये दही का पानी सूख चुका है और तेल भी रिलीज हो गया है। अब हम इसमें ये 1 कप पानी डालेंगे। कुकर के लिए बंद कर देंगे,
और उसकी तीन विसिल लेंगे और फिर इसको स्लो आंच पे 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये राइस बॉयल होने के लिए मैंने पानी रख दिया है। इसमें डालेंगे ये सूखे मसाले जो है तेज पत्ता और ये जो गरम मसाला और ये 3 टीस्पून मैंने डाला है ये नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल इसको बॉयल होने देंगे। ये पानी में बॉयल आ चुका है, अब ये राइस डालेंगे। इसको के मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। तो ये राइस बॉईल हो रहे हैं, अभी चेक करेंगे। हाँ अभी बाकी है थोड़ा। ये मैंने इसको ट्रांसफर कर ली हूँ ये टोप में कुकर में से, इसमें बिरयानी अभी लगाई है तय। और ये है नींबू का रस, ये 1 टेबल स्पून नींबू का रस है। अभी इसको आप वापस से भून रहे हो? नहीं, अभी इसमें ये मलाई डालेंगे। वाह, ये इसमें डालो तो अच्छा ही रहेगा, थोड़ी वाइट भी लगेगी ज्यादा, और वाइट वाइट हो जाएगी तुम्हारी। हाँ। वाइट कोरमा बिरयानी। हाँ। अभी हम इसको तय लगा देंगे चावलों की। इस पे इसमें वो वाली क्रीम नहीं चलती क्या, वो जो टेट्रा पैक? हाँ, वाली डाल सकते हो ना, फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक वाली चलेगी ना? कौन सी वाली? वो जो पैकेट में, वो जो फ्रेश क्रीम आती है ना, वो चलेगी। ये या तो आप अपने पास हो तो वो डालो, और ये वाली दौड़ेगी, वो डालो है ना, ये वाली दौड़ेगी। हाँ वो चलेगी, चलेगी है ना। चलो चलो ठीक है, अभी हम इसको इस पे तय लगा देते चावलों की। चलो भाइयों, अब इसके अंदर चावलों की तय लगा रही हैं हमारी मैडम। वाह क्या मस्त पके है चावल। थोड़ा फैला लो ना उसको। हाँ अभी करूँगी ना। अब हमारी मैडम इसके अंदर देखो थोड़ा सा ना दूध ऐड कर रही है, इससे इसका टेस्ट थोड़ा और एनहेंस हो जाएगा। बस इतना डालोगी? हाँ बस ना। हाँ। ओके, अब क्या डालोगी? अब इसमें डालेंगे बारिस्ता। हाँ बरिस्ता, कॉफी वाला बरिस्ता जी। अरे ये तो प्याज वाला बरिस्ता। कुछ भी। हाँ ये डालेंगे। देखो मैडम ने डाल दिया बरिस्ता जी। अभी डालेंगे कलर, थोड़ा सा कलर आप अपने, आपको पसंद हो तो डालें या ना डालें, आपकी मर्जी है। आप भी डालें, इनकी बात में सुनो, डालें आप लोग, इससे है ना बिरयानी का कलर ना अच्छा लगता। हाँ बिरयानी का कलर अच्छा लगता है, देखो कितना अच्छा लुक लग रहा है। ऐसे ही बोल रही है आप ना, अच्छा लग रहा है ना, तो फिर डालना चाहिए। हाँ। अब मैडम डाल रहे हैं इसके अंदर देसी घी, कितना चम्मच? 2 टेबलस्पून डालेंगे बस। नेला दो इसको पूरा, ऐसे भी मत करो। बस चलो 2 से 3 टेबलस्पून डाल दिए। ओके चलो आपकी भी मर्जी। टेबलस्पून क्या, टीस्पून? टेबलस्पून। ओके तो हम बिरयानी को पकाएंगे 5 मिनट फास्ट आंच पे और उसके बाद इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे दम के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे पकी है क्या नहीं। इसको कुछ इस तरह कपड़ा लपेट के दम लगा लेंगे, इससे क्या इसके अंदर अच्छी स्टीम बनेगी, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। तो ठीक है ये बनेगी, उसके बाद बनने के बाद आपको दिखाते हैं।
बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। चले आपको खोल के दिखाते हैं कैसी है। ये देखिए लुक काफ़ी अच्छी आई है। अब इसको क्या करेंगे, बिरयानी को थोड़ा ऊपर नीचे करके ना इसको मिक्स कर लेंगे। इससे क्या मसाला सब एक सार हो जाएगा। हम लोग ऐसा मिक्स कर देते हैं इसको, बाकी लोग तो शायद नहीं करते लेकिन हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है वाइट बिरयानी। तो अब हम इसको आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाएंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब इसको निकाल लेते एक प्लेट के अंदर। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई करना, इसको मज़ा आ जाएगा। ये थोड़ी लाल कौरमे वाली जो बिरयानी होती है ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है और खाने में बहुत ज़बरदस्त। चलिए एक हमने टमाटर का छिलका निकाल के उसका फूल बनाया था उससे इसको गार्निश करते हैं। तो आप लोग भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए इस बिरयानी को, और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है, आप लोग ही हमारा काम बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।